हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। अब बजे हैं शाम के 5-5 बजे। मैं कर रही हूँ परेश। कल संडे था तो संडे को परेश वरेश कुछ नहीं कर पाई, ना कपड़े धोए। आज मंडे, आज सुबह जो कपड़े धोए थे उनको प्रेस करके रख दूंगी सारों को, क्योंकि बच्चों के भी हैं, इनके पापा के भी हैं, सभी के कपड़े हैं, तो आज सारे कपड़ों को प्रेस करके ही रख देती हूँ। पर बहुत ज्यादा कपड़े हो रहे थे, मैंने सारे कपड़ों को कर लिया प्रेस। प्रेस करके अब इसको लगा देती हूँ अलमीरा में अपने अपनी जगह पर। यहाँ पर कर लिए थे मैंने आलू बॉयल। आलू बॉयल छील के और मैंने इसको मत लिए हैं। अब इनको बना रही हूँ मैं ब्रेड पकोड़े। ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए इसमें क्या क्या मसाला डालता है, इसमें डाल दिया मैंने नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची, और ये पानी पूरी का मसाला है, ये आमचूर पाउडर का मसाला है, और थोड़ा सा गरम मसाला। इन मसालों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ पर ले लिया मैंने ब्रेड। ब्रेड को मैं बीच से कट कर लेती हूँ और बना लेती हूँ ब्रेड पकोड़े। सारे ब्रेडों को मैं इसी तरीके से कट कर लेती हूँ। यहाँ पर चढ़ा दिया मैंने सरसों का तेल गर्म होने के लिए। और यहाँ पर ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए मैं यहाँ पर बेसन का घोल बना लेती हूँ। बेसन के घोल के लिए मैंने इसमें थोड़ी सी मिर्ची डाल ली है, नमक डाल लिया है, और इसमें डाल लेती हूँ बेसन। अब इस बेसन का घोल बना लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, ना तो ज़्यादा पतला करेंगे ना ज़्यादा गाढ़ा करेंगे। यहाँ पर मैंने ब्रेड कट की थी उसमें भर लेती हूँ मसाला, जो आलू का मसाला बनाया था उसको ऐसे भर के, और दूसरी ब्रेड इसके ऊपर लगा के इसको बंद कर दूंगी। जो बेसन का घोल बनाया था उसको चारों तरफ से डुबो के और फिर इसमें गरम तेल में डाल देती हूँ। सारे ब्रेडों में मसाला इसी तरीके से भर के और ऐसे ही बेसन में डुबो डुबो के और इनको अच्छे से पका लूंगी।
ब्रेड पकौड़ों के साथ मैंने आमचूर की खट्टी मीठी चटनी भी बनाई थी, पर ये सारी प्रॉपर आपके साथ शेयर नहीं की। अगली बार बनाऊंगी तो आपके साथ अच्छे से शेयर करूंगी। ब्रेड पकौड़े पक्के अच्छे से तैयार हो गए हैं, अब इनको लेती हूँ निकाल। ये बनाई है मैंने आमचूर की खट्टी मीठी चटनी। आमचूर की जगह इमली भी डाल सकते हैं, पर मैंने आमचूर ही डाला है, उसी की खट्टी मीठी चटनी बनाई है। और पकोड़े बन के हो गए हैं तैयार, प्लेट लग गई है, आप लोग भी खा लीजिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं कि न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहें।